मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की जो वैकेंसी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन है ये। डिप्लोमा और बीटेक या अन्य जो भी डिप्लोमाधारी है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं हम लोग। जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 1704, बहुत अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी पोस्ट है इसमें, 1704 पोस्ट है। ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। इसके डिटेल्स में चलेंगे। ये सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसकी टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा देर न करते दोस्तों। इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं और देखते हैं भर्ती। आप लोग चाहे तो दोस्तों डायरेक्ट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इंडियन फैक्ट्री IOF 4 महीने की जो वैकेंसी है ये टोटल ऑनलाइन फॉर्म 2019, और इसके बारे में यहाँ पे भी डिटेल्स में लिखा है, लेकिन हम इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे। इसमें डिटेल्स में लिखा है पदों के बारे में और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में लिखा हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो मैंने इसका ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसके नोटिफिकेशन पे चलता हूँ। इसका नोटिफिकेशन खुल गया, आप लोग देख रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, IOF की वैकेंसी इसको बोलते हैं। और इसके बारे में ऑनलाइन अप्लीकेशन थ्रू जो यहाँ पे वेबसाइट दिखा है इसके माध्यम से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो भी इसके इच्छुक हैं दोस्तों। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स जो लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन ओपनिंग डेट्स के 10 मई 2019 से शुरू हो चुके हैं इसके, और लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट इसका 9/6/2019, यानी 9 जून 2019 का लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और उसके अलावा यहाँ पे 16/6/2019 यानी 16 जून 2019 तक आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, या सॉरी प्रिंट आउट निकाल सकते हो इसका। उसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल डिस्ट्रिक्ट और पणजी सब डिवीज़न और चंबा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग जो है 23 जून 2019 तक जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उनके लिए लास्ट डेट जो है 23/6/2019 तक जो है वो लोग निकाल सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में जहाँ तक दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड के देखे वैकेंसी दी हुई, जैसे में आप लोग देख सकते हो मैकेनिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, सिविल है, मेटलर्जी है, क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है, नॉन टेक्निकल स्टोर्स है, नॉन टेक्निकल OTS है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अनरिजर्व OBC SC ST और EWS सबके लिए जो है वैकेंसी दी हुई है। EWS जो इकोनॉमिकल व्हीकल इकोनॉमिक व्हीकल सिस्टम है उसके लिए भी इन्होंने जो है वैकेंसी डाली है। टोटल मैंने पहले ही बताया दोस्तों आप लोगों को कि जो वैकेंसी वो 1700 750 के करीब है टोटल। पे स्केल के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 9300 से लेके 34800 रुपये तक आपकी पेमेंट बनेगी और ग्रेड पे आपका 4200 रुपये होगा। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, जो कैंडिडेट है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा वाइज डिटेल्स लिखा है कि आप लोग जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा ही होना चाहिए आपका, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जो ऑथराइज्ड है उसके थ्रू, या फिर आप ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, वो लोग इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने पढ़े थे। उसके अलावा केमिकल लिखा है, क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी लिखा है, लेदर टेक्नोलॉजी लिखा है, इन लोगों के पास जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना चाहिए।
तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि AICT द्वारा अप्रूव्ड हो, या BSc डिग्री विद जनरल केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, इसमें ये जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसके लिए मस्ट पास ए लेवल कॉम्पेंट कॉम्पेंटेंसी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इक्वा वैलेंट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो उससे आप लोगों का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। इससे रिलेटेड नॉन टेक्निकल स्टोर्स हैं जो, और जो नॉन टेक्निकल अदर देन स्टोर्स हैं उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग से हो चाहे टेक्निकल से हो, चाहे ह्यूमनिटीज से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, ETC, जो भी है आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक नोट लिखा है यहाँ पे दोस्तों कि एनी हाई क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री MTech BTech PG लेवल विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिए आप लोग। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन के बारे में लिखा है दोस्तों, अनएलिजिबल के लिए 27 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, OBC 27+3 तक अप्लाई कर सकता है, SC जो है 27+5 तक, और ST है जो उनको 27+5 ईयर्स की छूट मिलती है, और अदर भी और लोगों के भी रिलैक्सेशन दिया है यहाँ पे। फिजिकल हैंडीकैप है वो 10 साल की, उनके लिए छूट है। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में से रिलेटेड हैं, डोमिसाइल जिनके पास है वो 5 साल तक कर सकते हैं, और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेम लाइन और एलाइड कैडर्स, उनको जो है अप टू 40 ईयर और 43 ईयर, और OBC जो 45 ईयर तक जो ST SC वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लीकेशन फीस 200 रुपये है इसके लिए, और 50 रुपये आप लोगों को बैंक का अतिरिक्त से एक्स्ट्रा देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्जामिनेशन है, रिटर्न एग्जामिनेशन है जिसके लिए सेंटर यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं दोस्तों, आप लोग चूज कर सकते हो जहाँ भी आप लोगों को पड़ता है, जिस स्टेट से आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि चेन्नई, देहरादून, जबलपुर, कानपुर, कोलकाता, मेडक, एक बार आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लेना, और नागपुर, पुणे, जहाँ भी आपका नज़दीक पड़ता है आप लोगों आप सेंटर चूज कर सकते हो। और दो है, और आगे दिखा है दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, रिटर्न एग्जाम जो होगा वो टेक्निकल के लिए जो है क्या क्या टॉपिक होंगे, जो मैकेनिकल, जो ट्रेड मैकेनिकल हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनके लिए जो टॉपिक होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा उसका 30 मार्क होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन 0 लेवल उसके लिए 20 मार्क होंगे, जनरल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो लेवल है 30 मार्क का होगा, और इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स डिप्लोमा लेवल जिसमें भी किया है 120 मार्क का होगा। जो लोग केमिकल और क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उनके लिए भी यहाँ पे दिया है, जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड दिया है 30 मार्क का, कंप्यूटर एप्लीकेशंस दिया है 20 मार्क का, जनरल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग डिप्लोमा लेवल है 30 मार्क का है, और जनरल साइंस और अर्थमेटिक एनालिटिकल एबिलिटी जो है, उसके अलावा यहाँ पे एक बार आप लोग इसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना है इसको। नॉन टेक्निकल के लिए दोस्तों क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस है, बिजनेस नॉलेज होना 20 मार्क का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल रीजनिंग 50 मार्क का है, बेसिक इंग्लिश 10 मार्क का है, इंग्लिश और हिंदी इंक्लूडिंग नॉन हिंदी इंक्लूडिंग नथिंग, ड्राफ्टिंग नॉलेज इसके लिए 40 मार्क का, कंप्यूटर अवेयरनेस और अप्लीकेशंस है 20 मार्क का है, उसके अलावा जो है ये कॉन्सेप्ट लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फॉर नॉन टेक्निकल OTS जिसको बोलते हैं 10 मार्क, या फिर कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन लेवल इन स्टोर्स मैनेजमेंट फॉर नॉन टेक्निकल स्टोर्स, जो भी है इनके लिए 10 मार्क का होगा, और नेगेटिव मार्क होगा 1/4 जो भी होता है, जो कि और एग्जाम में होता है दोस्तों। चॉइस लेवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और आप लोगों को जो यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में यही लिखा है दोस्तों, तो आप लोगों के बहुत अच्छा मौका, एक बार आप लोग इसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना है।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर इसको डीपली देख लेना। मैंने तो बता दिया आपको, लेकिन हो सकता है कोई छोटी सी गलती आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने से रोक दे, तो ज़रूर आप लोग भरना चाहिए दोस्तों। अच्छी वैकेंसी, काफ़ी अच्छी मौका आप लोगों के लिए अच्छा है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें।